बाबा मुक्तनाथ की समाधि है यहाँ, चेतन समाधि है जी। हमारे गुरु जी ने भी यहाँ सेवा करी, हमारा दादा जी ने भी की, अब हम करने लग रहे हैं सेवा जी। गांव को बड़ी अच्छी नगरी है, अच्छे बाबा की सहयोग करते हैं, पाठ पूजा में सभी दो पूजा बढ़िया तरह मर्यादा है जी। बाबा जी की अच्छी मानता है, समाधि वाले बड़ा पर्चा देते हैं, नगरी भी खुश है बाबा के। तो जी अपना नाम बताओ सबसे पहले। तो जी सोमल गांव है, जो बताते हो आपको भी आपके बुजुर्गों ने बताया होगा, कैसे बसे है जी गांव? भाई पहला हमारा शुरुआत है बाबा मुक्तनाथ की नगरी है, ईशो के सारे हमारा गांव बसे, ईशो का देन है जो कुछ है, ईशो का पहला काम के नाम से जी मंदिर डेरा कुटिया आसन क्या है? बड़ा तगड़ा नहीं, बहुत बढ़िया डेरा है उसका, जमीन दी है भाई 120 की। अच्छा, बड़ी श्रद्धा है रे, श्यामा मजार को जा रहे हो, बड़ा कोई मनुष्य ईशो की शक्ति है, ईशो की एक आदमी सारा ले इसका मारा। जो जमीन है जी वो गांव में ही है, गांव में जमीन है, खेती कर रहा है। अच्छा, बढ़िया वो है, पर श्रद्धा है हमारा गांव की, जी रात नहीं भी बात करते नहीं। मैं मान जा रही है, मैं तो इस गांव में लगभग कितने वोट है? 5000 का सरपंच का क्या नाम? सरपंच का अगर बात करें एक साल से ऊपर हो गया सरपंच ने, कुछ काम वगैरह कुछ नहीं हुआ, कुछ मिलते नहीं बने। अच्छा, अब तो सर संहिता लग रही है, उससे पहले कुछ किया? कुछ नहीं कर। अच्छा, कुछ आए नहीं, ऊपर से कहना है ऊपर से नहीं आया कुछ भी करा, ये कहना है सरपंच सर। समस्या तो जी जो योजना है जाति की बात करें, सब गाँव में कौन कौन जाति रहती है? अगर जी मंदिर मंदिर डेरा की बात करें तो कौन कौन से मंदिर यहाँ पे? गुग्गा मैडी स्थान है। अच्छा जी, एक बड़ी बड़ी कहना चाहूँगा। तो जी बात करें यहाँ पर कबड्डी के पहलवानों की, अच्छी टीम होती है संभल की, तो जो आजकल के प्लेयर है उनके नाम बता दे, जो बुजुर्ग प्लेयर थे उनके नाम सोनू संगड़ा जी, गोगी संगड़ा जी, सुधीर है जी, बाकी तीन चार पांच चार प्लेयर और और जो पहले बुजुर्गों की बात करें मारता पहला की, जिस तरह दरिया सिंह है जी, गोपी राम है जी, अमर टेम है जी, जिस तरह पंजाब सिंह है जी, अच्छा शिशपाल है जी, अच्छा हुकुम चंद है जी, गोपी राम है जी, ये भी कई प्लेयर अपना जो 60-65 का बीच में उम्र में जा रहे हैं। तो जी पंजाब जी पहले पायल का होता था गांव, हां पायल, तो उस टाइम कौन से विधायक ने इस गांव में काम किए? वो टाइम करते सुन में तो रामपाल ने करे। अच्छा, रामपाल जी ने किया? हां करेंगे जी। और तेजीमान भी होते थे? तेजीमान ने भी ठीक अपना होते थे, तेजीमान ने कुछ कर रहे हैं, उन लोग ऊपर करेंगे पीसी भी ना करके भी कर रहे हैं, पहले रामपाल बने फिर जेपी बने और फिर तो अब इन तीन प्लानों में तीन विधायक बने हैं, किसने काम किया कलाई दल काम जुड़ने के बाद? अपना जो काम लाते जिस तरह बढ़िया दुकानी होता है, पाँच शर्मा था जी सबसे ज्यादा जी बढ़िया दुकानी हो, विकास का काम कर गया सब, और जो अपने कुरुक्षेत्र लोकसभा है जी
नवीन जिंदल सांसद रहे हैं, राज कुमार सैनी रहे हैं, नायब सैनी रहे हैं, उनमें से किसी ने किए उससे पहले कलासो सैनी रही है, ओपी जिंदल रहे हैं। ओपी जिंदल ने की है जिंदल में, इस तरह खबर दावे बोलते करें हैं, बड़ी में बड़ी हैं और वो खास खासियत नहीं गाँव जो खासियत है गाँव की वो बता दें खेल मैदान है बच्चे के लिए खेलने के लिए सुविधा सुविधा यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए कैथल जाते हैं, बस सुविधा की बात नहीं, आपको पता होगा कैथल भी जाते हो, बस सुविधा कैसी है हम मौजूदा सोंगल गांव के ग्राउंड में जहाँ पर बड़े बड़े पहलवान हुए हैं, चाहे सुधीर सोंगल की बात हो और मौजूदा समय की बात करें तो सोनू सोंगल है, गोगी सोंगल है, अनेकों पहलवान इस ग्राउंड ने जी है जहाँ पर आप लाइव देख रहे हो। और हमारे साथ सुरेंद्र कौर जी मौजूद है, गांव में कौन कौन खिलाड़ी है और खेलों में लेकर क्या क्या खेल गांव में के युवा खेलते हैं, तमाम बातें करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, कितने सालों से आप यहां पर बच्चों को खिला रहे हो और इससे पहले आप कौन ने कौन कौन सा खेल खेले है? बस वही बात, हम तो ग्राउंड से जुड़ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं बच्चों को खिला रहे हैं। ठीक है, सोनू सोंगल है जो इस गाँव का, जहाँ भी जाए अगर सोंगल का नाम चलता तो सोनू सोंगल से ही चलता है। बहुत बढ़िया प्लेयर हुए हैं और आगे भी चल रहे हैं, प्लेयर बहुत प्यार हो जाए। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो जी कौन कौन सा खेल खेलते हैं इस गांव में? इस गांव में सिर्फ एक ही गेम है, कबड्डी, और चाहे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल वाले को जूडो खेलते हैं, नहीं कबड्डी बॉक्सिंग, बस यही नहीं जूडो और कबड्डी। गांव में ग्राउंड और ग्राउंड में सुविधाओं की बात की जाए तो कैसे? ग्राउंड में देखो सुविधा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, आज लग तो किसी ने ग्राउंड के तरफ ध्यान नहीं दिया है। एक सिर्फ कहने नहीं चाहिए कमलेश डांडा जी हैं, जिसने कहते ही गांव के बच्चों ने एक बार कहा था, कहते ही बोर लगवाया गांव में 650 रुपये। अच्छा, हाँ एक बार कहते ही तुषार जी ने बोर लगवा दिया और इससे ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते। बाकी वोट वाटों से हम दूर हैं, राजनीतिक पार्टी से हमने किसी को नहीं है, लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चों की बात है तो यही कह रहे हैं भाई, जो हमारा सहयोग करेगा हम उसी के साथ हैं, चाहे इसमें कोई भी पार्टी हो, कोई किसी का कोई मतलब। जिम वगैरह की बात की जाए तो जिम वगैरह कुछ नहीं है जी, कोई ध्यान नहीं दे रहा जिम वगैरह के बारे में। ओपन जिम होगा? हाँ ओपन जिम है, वो किसने लगवाई? वो इसने लगवाई है, क्या नाम है उसका, बारह सोलह ने लगवाई है, जिला परिषद। हाँ बारह सोलह जो जिला परिषद है उसने जिम का एक बार कहने से ही बेचारा ने एक बार कंधे ही लगवा दी। तो गांव के सरपंच भी हुआ, आपके जिला पार्षद है जो प्रतिनिधि है, भारत सरसोड़ा भी हुआ है, सर डंडा जी और कैंडिडेट किया, क्या मांग करते हो सोंगल गांव के खिलाड़ियों के लिए कि ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए? सुविधा तो देखो जी, एक तो जो बार बार कह रहे हैं ट्रैक पे, जो ये ट्रैक है दौड़ वाला, ये ट्रैक पे सिंथेटिक रेता हुआ जो उसकी डिमांड है जी पहली, तो क्योंकि दौड़ लगाने वाले बच्चों या आप ये देख लो खुद ये रोड है, इस पर ट्रैक पर दौड़ नहीं लगा सकते, इसके लिए सिंथेटिक जो रहता है जो ट्रैक में होकर उसकी डिमांड है, और हमारी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। बोर की डिमांड थी वो तुषार जी ने पूरी कर दी थी, बाकी और कोई डिमांड नहीं है। सोंगल गांव में कबड्डी के गेम हर साल होते थे, नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है? देखो इसमें कारण है कि आज इसमें तो यही है कि कोई वो गाँव का सहयोग नहीं मिल रहा है, इतना सहयोग मिलेगा तो आप पहले ही साल हो कर दे। टीम तो है सोंगल गांव की, टीम तो है? हाँ बिल्कुल एक नंबर टीम है, जो डेली खेलने जाती है, आज भी खेलने जा रही है, डेली जाती है, डेली। हाँ थैंक यू।